सही खाए जलबारा, तू हंस भी रही और तेरी आंखों में आंसू भी है। तू क्या कर रही है? तू ठीक तो है ना बाड़ा? नहीं मौसी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझे ना खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा है। पापा मुझे कब से कितने इशारे दे रहे थे और मैं उनके इशारे समझ ही नहीं रही थी। सही है, तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मौसी मैं ये कहना चाहती हूँ कि बरसों पहले हमें लग रहा था कि हमने हमारे वीनू को खो दिया है। हमारा वीनू बिल्कुल सही सलामत है। हमारा जो वीनू है ना, वही हमारा वीनू है। मतलब अपना वीनू मेरा वीनू है, मेरा वीनू। ये तू क्या कह रही है? सही, मैं सच कह रही हूँ मौसी। हमें लग रहा था हमने हमारे वीनू को खो दिया है। हमारा वीनू बिल्कुल सही सलामत है, एकदम ठीक है। सही, तू ये कह रही है कि वो वीनू हमारा वीनू है? हाँ, तुम बस से जा रही थी ना, तो वो एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट में बच गया था, बिल्कुल ठीक है। और तकदीर का खेल देखो, विराट ने उसे गोद लिया। पापा चमत्कार लाला, तुझे कुमकुम बाबा सही। तूने ये सब सभी को बताया? सभी को जब पता चलेगा ना कि उसका वीनू दादा उसी का दादा है, तो वो खुशी से जूम उठेगी। सभी कहाँ है? सभी नहीं मौसी, अभी हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। क्यों? बताऊंगी मौसी, सबको बताऊंगी, पूरी दुनिया को बता दूंगी कि मेरा बेटा जिंदा है। लेकिन 72 घंटे बाद। 72 घंटे में क्यों? क्योंकि मैंने विराट को 72 घंटे का वक्त दिया है पाखी दीदी को ये समझाने के लिए कि वीनू उनका नहीं, मेरा बेटा है। ये सब क्या है विराट? क्या क्या है? ये मुझे ऐसे लंच पे लेकर आना, मेरी फेवरेट डिशेस ऑर्डर करना, मैटर क्या है विराट? मैटर? मैं अपनी वाइफ के लिए इतना भी नहीं कर सकता। अब तुम ये रहने दो विराट, कि तुम अपनी वाइफ के लिए क्या कर सकते हो क्या नहीं। मैं सालों से तुम्हारी वाइफ हूं और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझती हूँ। तुम ये मुझे सरप्राइज देने के लिए या स्पेशल फील कराने के लिए तो नहीं कर रहे। कोई तो बात है जो तुम्हारे मन में चल रही है, तो सीधा मुद्दे पर आओ ना विराट। क्या बात है बताओ? इतने सालों में हम कभी लंच में साथ में नहीं गए। वीनू के बिना तो नहीं गए थे, लेकिन पिछली बार जब तुम्हारे साथ अकेले में खाना खाना चाहा, तब भी तुम्हारी सही सभी वगैरह मिल गए थे। ये क्या बार बार तुम्हारी सही लगा रखा है? सही मेरी कोई नहीं लगती। रियली? सही तुम्हारी कोई नहीं लगती? तभी तुम खुलेआम उसे गले लगाते फिरते हो। ओह गॉड, बाकी क्या हम थोड़ी देर के लिए इन सारी चीजों को रहने दे सकते हैं प्लीज? हाँ, मैं भी वही चाहती हूँ। क्या चल रहा है तुम्हारे मन में और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो बोलो? जरूरी बात करनी थी। मुझे पता था। बोलो, सुन रही हूं मैं। विराट, तुम्हारे मन में जो कुछ भी चल रहा है सीधे सीधे बता दो प्लीज। वो आज सही वीनू को लेकर चली गई तो तुम बहुत गुस्सा हो गई। मेरा मतलब है, इतना कुछ तुम्हें उसे कहना नहीं चाहिए था। तो ये है तुम्हारी जरूरी बात? सीरियसली विराट, मुझे आज तक समझ में नहीं आया
कि तुम्हारे हर जरूरी बात सही के बारे में ही क्यों होती है? मुझे मेरी बात पूरी करने दोगी तुम? ठीक है, बोलो क्या बोलना चाहते हो तुम? वही कि तुम तो जानती हो कि वीनू और सई के बीच बहुत ज्यादा लगाव है, और यहाँ तक कि वीनू सई को छोटी मम्मा बुलाना चाहता है ना। हाँ, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि तुमने उसे ऐसा करने से मना किया था। और ऐसा बहुत कम होता है विराट, जब तुम किसी बात पे मेरी साइड लेते हो। सोच रहा था कि अगर वीनू सई को छोटी मम्मा बुलाए तो क्या ही हर्ष है, क्या फर्क पड़ता है? क्या तो ये थी तुम्हारी जरूरी बात? हाँ नहीं, मतलब बस पूछ रहा हूं तुमसे, अगर वीनू सई को छोटी मामा बुलाता है तो उससे तुम दोनों का रिश्ता कितना कम हो जाएगा? वीनू तुमसे और तुम वीनू से उतना ही प्यार करोगे जितना आज तक करते आए हो। लिसन विराट सवान, मैं उस औरत के साथ अपना पति बांटती आई हूँ। पति? और तुम चाहते हो कि मैं उसके साथ अपना बच्चा भी बांटू? एक मिनट, तुम अपना पति किसी के साथ नहीं बांट रही हो, और अगर वीनू सई को छोटी मम्मा बुला भी लेता है ना तो उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि तुम अपना बेटा किसी और के साथ बांट रही हो। एक पत्नी अपने पति के बारे में जितना जानती है ना, उतना वो पति खुद अपने बारे में नहीं जानता होगा। तो तुम मुझे मत बताओ विराट कि मैं अपना हस्बैंड किसी के साथ बांट रही हूं या नहीं। अगर एक औरत ये कह रही है ना कि उसे अपना पति बांटना पड़ रहा है, तो उसकी बात पर यकीन मान लो, क्योंकि वो एक नर्क से गुजरी है, बेवफाई की आग में जली है वो। बेवफाई? प्लीज बैठ जाओ, ढंग से मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो विराट, और कान खोल कर सुनो। मान लिया कि मेरा तुम पर कोई हक नहीं है, मान लिया कि तुम मेरे कभी नहीं थे और आज भी नहीं, लेकिन वीनू वो हमेशा से मेरा बेटा था, है और हमेशा मेरा बेटा ही रहेगा। वीनू को पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है, ना कि किसी छोटी मम्मा ने। मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया विराट, सब कुछ सह लिया अपनी जिंदगी में, लेकिन अगर तुम्हारी सई ने मेरे वीनू पर अपना हक जताने की कोशिश भी की ना, या फिर तुमने उसे उसकी छोटी मम्मा बुलाने पर मजबूर किया, तो मैं ये हर किस बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तुम अपनी उस सही जोशी को बोल देना कि मेरे बेटे से जितना हो सके उतना दूर रहे, वरना बाद में जो होगा ना उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। सुनो बाकी 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 को सच बताऊं तो कैसे बताऊं? तो बीनू के सई को छोटी मम्मा बुलाने पर इतनी नाराज हो गई, इतना गुस्सा हो गई, इसको ये कैसे बताऊंगा कि सई ही बीनू की असली आई है, बीनू सई का बेटा है, और सई बीनू को अपने साथ ले जाना चाहती है।